हासिल करें। हम खुदावंद तेरे सारे
इस मंसूबे के लिए, सारे इस फसल के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और दुआ करते हैं पाखुदा कि तेरा पाक रू जब से आया है खुदावंद हमारी मदद करवाता रहे, हमारे साथ रहे, हमारी रहनुमाई करे और खुदावंद ताकि बहुत सी जाने, बहुत सी जिंदगियां खुदावंद कलाम के वसीला से, तेरे पाक कलाम के वसीला से हमेशा अपनी जिंदगी को हासिल करे। या खुशखबरी का कलाम तेरे लोगों को सुनाया जाए खुदावंद, आज भी क्या तेरे कलाम को सीखते हैं पाक रूप की मामूरी अता फरमा, हिकमत और दानाई अता फरमा, पाक रूप का गहरा मसा अता फरमा, ताकि तेरे कलाम के भेद, तेरे कलाम की सच्चाइयां, तेरे पाक रूप के वसीला से जो इतने पैंती कोस यानी आज के दिन नाजिल हुआ, उसके वसीला से तेरे कलाम के भेदों को, सच्चाइयों को, कलाम की इन बातों को समझ और जान सके। हम इसे हर एक तेरे कलाम की बरकत पाए और खुदावंद तेरा पाक रूप खुदावंद उनके दिलों को, ख्यालों को अपनी तरफ मायल करे, ताकि तेरे कलाम को अपने दिल में रखकर तेरी पाक मर्जी को पूरा करे। हर एक जान आज के कलाम से बरकत पाए, यीशु मसीह के जलाल नाम में। बाप और बेटे और पावन के नाम में, आज का दिन बेशक बड़ा अहम दिन है, खुदा के पाक रूप के नजूल का दिन है, ईमानदारों का जो एक जगह पहले दुआ कर रहे थे, आज के दिन खुदा का पाक रूप उन पर नाज़िल हुआ और वो रूह कुछ से भर गए। ये ईद दूसरी ईदों की तरह हम नहीं मनाते जैसे ईस्टर का त्यौहार हो या क्रिसमस का, लेकिन मैंने जैसे ईद साउथ के दिन कहा था कि कोई भी ईद जो है वो किसी लिहाज से कम नहीं है, उसकी अहमियत कम नहीं है। इसलिए ईद पेंटिकोस भी जब खुदा का पाक रूह नाज़िल हुआ हमारे लिए बड़ी अहम ईद है, और इसलिए आज हम इस हवाले से खुदा के पाक कलाम को सीखें। जब मैंने घरों में विजिट किया तो कई जगहों पर जब मैंने पूछा कई दिन पैंती कोस है क्या और हम क्यों मनाते हैं, तो बहुत से लोग जो थे उन्होंने अपनी लड़ाई नहीं का इजहार किया कि उन्हें पता नहीं कई दिन पैंती कोस क्या। और इसी तरह जब मैंने इन्हें साउथ के हवाले से भी दरियाफ्त किया विजिट के दौरान, हालांकि हम हर साल इन मौजूदात पर खुदा के कलाम को सुनते और सीखते, लेकिन अफसोस कि हम इसे याद नहीं रखते। और मैं समझता हूँ एक बड़ी वजह जो ऐसी बातों का याद ना रखना वो खुदा के घर से दूर रहना, खुदा के कलाम से दूर रहना, यही वो वजूहात है जिनकी वजह से हम खुदा के कलाम से लाइन रहते हैं, बहुत सी बातों से लाइन रहते हैं जो हमारी जानने के लिए जरूरी है, जिनको जिन पर अमल करना हमारे लिए जरूरी है, जिनको अपनी जिंदगी में अहमियत देना बहुत जरूरी है, लेकिन हम इन बातों से लाइन रहते हैं। फरीदे करती कौन की ऐसी ईद है जिसके बारे में बहुत से लोग शायद
सुनते तो है खुदा के घर में जाकर, लेकिन अपने को भूल जाते। तो यही बात है कि हम दाऊद की तरह उसके कलाम को अपने दिल में नहीं रखते। दाऊद कहते हैं मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख दिया है ताकि तेरे कलाम गुलाम ना। तो ये कलाम जब हम सुनते हैं तो जरूरी है कि ये कलाम हमारे अंदर मौजूद है, हमारे दिल में है। और यीशु मसीह ने कहा कि कलाम के बगैर सुनने वाले ना बनो बल्कि इस पर अमल करने वाले। तो हमें अमल करने वाले बनना है ताकि कलाम की ये सच्चाइयां हमारी जिंदगी में मौजूद रहे, हमारे अंदर मौजूद रहे और हम उनको सुनकर बरकत पाए। कोई पति घोष जिसको आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, उसी ईमानदार जो वो सब आज के इस दिन की अहमियत को जानते हुए बड़े मजहबी जोश और खरोश के साथ इस दिन को मना रहे हैं। और ये ईद पूरी दुनिया में आज मनाई जाती है। और ये वाक्या जो बयान किया गया ये वो वाक्या है जब 120 की जमात ईमानदारों जिसमें वो 12 शागिर्द भी शामिल थे उन पर खुदा का पाप नाज़िल हुआ। और ये वो वादा है जो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से किया। अगर हम यूहन्ना के इंजील उसका 14 बाब उसकी 16 की आयत देखें तो वहां लिखा है और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूहे हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती। तुझे खुदावंत मसीह का वो वादा और कहा गया था कि उस वक्त तक यरूशलेम में ठहरे रहो जब तक तुमको कुवत का लिबास ना मिले। और ये कुवत का लिबास जो है दरअसल खुदा का पात्र था जिसको पाने के लिए, जिसको हासिल करने के लिए वो सब उस बाला खाना पर जमा। और उस मुकद्दसीन ने एक मुकद्दस हस्ती मुकद्दसा मरियम भी मानी और वो भी उन ईमानदारों के साथ मिलकर दुआ कर रही, वो भी पापरों के पाने के लिए वो भी दुआ कर रही। और ये 120 की जमात हो ये सब दुआ पे करे क्योंकि उनको कहा ये गया था कि वो ठहरे हैं और कुवत के लिबास को हासिल करने के लिए जरूरी है कि वो ठहरे रहे किसमें दुआ में ठहरे रहे। बाथरूम को पाने के लिए दुआ की जरूरत और ये दुआ 10 दिन तक मुसलसल जारी रही। इसके साउथ के बाद 10 दिन बाद यानी 50वें दिन जो है वो ईद पैदी को जाती है। और ये वो ईद है जो यहूदी लोग पहले से मनाते आ रहे हैं। और अगर हम देखें तो पैदी को जो है ये यूनानी जबान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है 50वां, यानी यीशु मसीह के जीतने के 50वें दिन ये ईद जो है ये मनाई जाती है। इसको पुराने अदनामे में हफ्तों की ईद भी कहा जाता था और क्रूज 23वां बाब उसकी 16वीं आयत ये हफ्तों की ईद भी कहलाती थी, ये फसल काटने की ईद भी कहलाती थी और ये नई नजर की कुर्बानी भी कहलाती थी। तो ये ईद पैंतीकोस को इन ईदों के
खुदा पर कि ये हमारी फसलों पर खुदा की बरकत जारी रहे, खुदा हमारी फसलों पर इसी तरह बरकत बरसाता रहे जिस तरह ये बरकत हमारी फसलों पर जारी है। तो वो खुशी करते थे और इस गीत को इस तरह से बनाते थे कि ये उसकी बैकग्राउंड है जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन फिर हम जब नए तहत में दाखिल होते तो इसी गीत को जब बीते 35 का दिन था और शागिर्द ईमानदार दुआ में ठहरे हुए थे, उस वक्त जब 50वां दिन आया तो उन्हें कहा है कि 120 की जमात पर खुदा का पाक और क्या दूसरे बात में तफसील देखते इस बात कि वो किस तरह के असरात थे। लिखा है एक ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे टूट गया और उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आठहरी और वो सब रूल कुछ से भर गए और गैर जुबाने बोलने लगे जिस तरह रू ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। यानी ऐसे हालात पैदा हुए, ऐसे असरात मुरतब हुए कि सारा जोर की आंधी का सन्नाटा जैसे होता है वो घर पहुंच गया, उन्हें आपके शोला की फटती जुबानें दिखाई थी और उन्हें से हर एक पर ठहर गई और सब बोल रूप से भर गए और गैर जुबानें बोल गए। ये एक निशान था, रूहुल कुद्स के नज़ूल का निशान के पाक रूह नाज़िल हुआ। पहले तो वो असरातदार थे जो हमने सुने और फिर वो निशान ज़ाहिर किया गया कि खुदा का पाक रूह इनका पैरा है और कहता है कि वो गैर जुबाने बोलने लगे। ये बड़ा मौजूदा गैर जुबानों का उतरना और गैर जुबानों का बोला जाना ये बहुत बड़ा मौजूदा मौजूदा इसलिए कि शागिर्दों ने कभी ये जुबानें सीखी नहीं। शागिर्द अपनानी से मिलती जुलती एक जुबान सुरयानी वो बोलते थे, वो कोई पीएचडी नहीं थे ना वो जुबानों के माहिर थे। लेकिन हम देखते हैं कि पापरू की कुदरत के वसीला से उन्होंने जब पाप जुबाने उतरी और वो गैर जुबाने बोले। इससे पहले अगर हम पदेश 11वां बाब पढ़े तो वहां पर हमें जिक्र मिलता है कि एक ही जुबान दुनिया में बोली जाती है, कोई और जुबान नहीं, एक ही जुबान पूरी दुनिया के लोग होते या जितनी जमीन पर लोग वो सब एक ही जुबान बोलते, एक ही बोली। और वो जब मैसेज भी उतरे करते थे तो वो जब बाबल में आए तो वहां वो एक मैदान उनको मिला, वहां वो बस गए तो वहां उन्होंने अगर आप समझे कि गैर जुबान आप नहीं बोल सकते और आप मुकम्मल मसीही नहीं है तो ये गलत है, क्योंकि गैर जुबान के बगैर भी आपके अंदर खुदा का पाक रूह काम करता है, खुदा आपके साथ होता है। पुराने अहदनामे में सारे मसीही जो थे गैर जुबान ही बोलते और आज भी मैं समझता हूं कि जो खुदा के साथ चलते, जो खुदा की वफादारी में चलते, जो खुदा की मर्जी पर चलते, मैं समझता हूं कि उनके अंदर खुदा का पाक रूह काम करता है, वो पाक रूह के बगैर नहीं है।
भी वो खुदा के नजदीक है क्योंकि वो खुदा की पाक वर्दी को पूरा कर रहे हैं। उससे किसी ने सवाल बड़ी पुरानी बात है दफा किया था कि आपको कैसे सबूत है आपके पास कि आपके अंदर खुदा का पाप को माफ करता है। मैं क्या मैंने कहा कि अगर मैं खुदा की वर्दी पर चलता हूँ तो मेरे अंदर खुदा का पाप भी माफ हो जाए, अगर मैं खुदा की वर्दी पर नहीं चलता तो मेरे अंदर खुदा का पाप भी माफ हो जाए। तो खुदा के पाप रूप की निशानदेही यही है, जरूरी नहीं है गैर जुबान, लेकिन ये नेमत अगर आपको चाहते हैं तो हासिल कर सकते हैं दुआ के वसीले। लेकिन आप पाप रूप आपकी जिंदगी में काम करता है जब आप खुदा के वफादार, खुदा करे कि हम खुदा के वफादार नहीं, हम खुदा की पाप मर्जी को पूरा करने वाले हो, खुदा का पाप रूप जो आज ही के दिन द्वारा गया हमारी जिंदगी में काम करे, हमें उसको वेलकम करे अपनी जिंदगी में आने के अपनी जिंदगी में ताकि तो खुदा का पाप रूप मेरी जिंदगी में काम करे। बेशक गैर जुबान मैं ना भी बोलूँ लेकिन खुदा का वफादार हूँ, खुदा की मर्जी का करूँ और उसकी मर्जी मेरी और आपकी जिंदगी में, बेशक खुदा को लगाओ। हम अपने खुदावंद खुदा का शुक्र करें ये नहायत वाजिब और मुनासिब और हम पर फर्ज भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। आए खुदावंद मुकद्दस बाप बाद ने मुतलिक अजली खुदा यीशु मसीह तेरे बेटे हमारे खुदावंद के वसीला से जिसके हाथ से तूने आसमान और जमीन को और जो कुछ इनमें है पैदा किया और इंसान को अपनी सूरत पर बनाया और जब वो गुनाह में गिर पड़ा था तो तूने इसे मकल सी दी ताकि एक नई मखलूकात में से वो एक तरह का पहला फल हो। इस बात को फरिश्तों और मुकर्रम फरिश्तों और कुल आसमानी गुरुओं के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हमदो तआज़ीम करते हैं और हमेशा ही तेरी सताइश करते हैं। कदूस 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 खुदावंद रब अल-अरबाब आसमान और जमीन तेरे जलाल से मरूर है। अय खुदावंद ताला तेरा ही जलाल हो, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आया है और आने वाला भी है आने वाला परमेश्वर। वाकई कदूस वाकई मुबारक है तू अय आसमानी बाप तू जिसने अपनी उस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फिदिया देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे, उसने उस पर अपने आप को एक ही बार नजर चढ़ाकर कुल जहान के गुनाहों के लिए एक पूरी कामल और काफ़ी कुर्बानी नजर और मुआवजा दिया और अपनी इस बेश कीमत मौत की एक दायमी यादगारी मुकर्रर की और अपनी मुकद्दस इंजील में हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर ना आऊँ तुम ऐसे करते रहना। जिस रात को पकड़वाया गया उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा लोग खाओ ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला पी लिया और शुक्र करके उनको दिया और कहा तुम सब इसके से पियो क्योंकि नए अहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है, जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। आमीन। भाई खुदावंद हम तेरी मौत को याद करते हैं, हम तेरी जिंदगी का इंतजार करते हैं, हम तेरी दूसरी आमद का इंतजार करते हैं। आए मसीह तेरा ही जलाल हो, इसलिए आए बाप तेरे बेटे हमारे खुदावंद की कीमती मौत और दुख और जलाली क़यामत और साउथ को याद करते हुए हम तेरे खातिर ये पाक रस्म जो तूने खुद मुकर्रर की तेरे आने तक अदा करते हैं और हम उस मुकम्मल मकसद के लिए जो तूने हमारी खातिर इसमें दी है तेरा शुक्र करते हैं। आए खुदावंद हमारे खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरी तमजीद करते हैं, हम तेरा जवाब और आए रही पाप हम कमाल आजी के साथ अर्ज करते हैं कि अपने पाप रूप को भेज कर हमें और इस रोटी और मैक को जो तेरी बख्शिश है तकदीस कर ताकि वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं मसीह के बदन की शराफत हो और वो प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं मसीह के खून की शराफत हो। बख्श दे कि इसमें हम शरीक होकर ईमान में एक हो जाएं और उसके साथ
जो सर है यानी मसीह हमारे खुदावन के साथ व्यवस्था होकर हर तरह से बढ़ते जाए, उसी के वसीला से और उसी के साथ रूहुल कुद्दस की कहानत में आए कदूस बाग कुल इज्जत और जलाल अब्दुल्लाबाद होता रहे। हम खुदावन की भेज के पास आने की दुआ मांगेंगे। आए रहीम खुदावन, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी दुनिया को और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज के पास आने की जरूरत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज पर से गिरते हैं चुने, लेकिन तू वो खुदावन है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए आए रहीम खुदावन, यह बात कि हम तेरे अजीज बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएं और उसका खून इस वजह से पिए कि हमारे गुनाह मुदा यीशु मारे उसके नहाए देश की मत बदल और खून से पाप साफ किए जाए और हम उससे और वो हम ये हमेशा से आमीन। रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिर भी कंदूसी जमाने की शराब पर है। अब जबकि हम ईमान से मसीह के बदन और खून के पाप सक्रमेंट में शरीक हुए हैं तो आओ हम शुक्रगुजारी करें। कादरे मुतलिक खुदा हमारे आसमानी बाप, तो जिसने अपने अजीज बेटे यीशु मसीह हमारे खुदावन में हमें बतौर अपने फर्जंद कबूल कर लिया है और हमें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून की रूहानी खुराक से शेर दिया है और हमें गुनाहों की माफी और हमेशा की जिंदगी का वादा दिया है। हम इन बख्शिशों के लिए जो बयान से बाहर है तेरा शुक्र करते हैं और तेरी तारीफ करते हैं और अपने आप को अपनी रूह और अपने जिस्म समेत तेरे हजूर नजर गुजरानते हैं ताकि पाक और जिंदा कुर्बानी हो जो हमारी मकबूल इबादत है। हमें फजल बख्श ताकि हम इस जहान के हम शक्ल न बने बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाएं ताकि तेरी नेक और कामल मर्जी जाने और इस जहान में इसी तरह तेरी फरमाबरदारी करें क्या माखर में तेरी आसमानी बादशाही में तेरे सब मुकद्दसों समेत खुशी मनाए। हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से जो तेरे और रूह कुछ के साथ हमें जिंदा रहता और बादशाही करता है। आमीन। मेरा नाम पाक तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी हो जाए जमीन पर है। हमारे रोज की रोटी आज और जिस तरह अपने कर्ज का हमें माफ तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश भी ना पड़ने बल्कि बुराई से बचा क्योंकि वो बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा के लिए आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फज़ल खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह का मेल मिलाप सारी जमात सारी कलीसिया और कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा रहे।